हे दोस्तों, एजुकेशन गुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पार्ट एनालिसिस। पार्ट एनालिसिस में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो है ड्राफ्ट एनालिसिस, वॉल की थिकनेस, और कहां पर हम लोग गेट का लोकेशन ले सकते हैं किसी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, जब एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो हम लोग को कंपोनेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स देखना होते हैं। जैसे पॉइंट्स मतलब जो मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट या वॉल थिकनेस, तो फिर गेट की लोकेशन हम लोग उसमें कहां पर ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस के बारे में। देखो, तो ड्राफ्ट बेसिकली क्या हुआ, अगर मुझे कोर और कैविटी में से कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से अगर सेपरेट करना है, निकालना है, तो मुझे ड्राफ्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, और ड्राफ्ट वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ड्राफ्ट बेसिकली क्या हुआ, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द पार्ट एंड डायरेक्शन ऑफ पुल। ठीक है, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। मतलब ये कुछ नहीं है कि ये एक एंगल है, राइट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ये दो कंपोनेंट लेता हूं, तो एक कंपोनेंट के अंदर ड्राफ्ट नहीं है और दूसरे कंपोनेंट के अंदर ड्राफ्ट है। इसके लिए अगर मैं एक बोल्ट क्रिएट करूंगा जिसके अंदर कैविटी और एक कोर रहेगा, ठीक है, अब अगर मैं एक कंपोनेंट को निकालना चाहूँ, यानी कोर को अगर मैं मूव कराऊं, तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जिसके अंदर मैंने ड्राफ्ट नहीं दिया है वहां पर क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो उस फ्रिक्शन के कारण ही बेसिकली उस कंपोनेंट के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो, ड्राफ्ट दिया है तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, राइट। फ्रिक्शन, देखो जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है भाई, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होने वाला, फ्रिक्शन होगा कंपोनेंट के अंदर, राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट एनालिसिस और ड्राफ्ट एनालिसिस के बारे में। तो ड्राफ्ट किसी भी कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से मोल्ड के अंदर से और कैविटी के अंदर से निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई ड्राफ्ट एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर ड्राफ्ट नहीं है वो कंपोनेंट गलत डिजाइन हुआ है, और जिसके अंदर ड्राफ्ट है वो कंपोनेंट बिल्कुल सही है, या फिर बोल सकते हो मोल्ड के लिए वो फेजेबल है, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉल थिकनेस के बारे में देखते हैं। देखो, वॉल थिकनेस क्या होनी चाहिए, हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। किसी भी तरह का प्लास्टिक के कंपोनेंट को अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए वॉल की जो थिकनेस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट आपको दिखा रहा हूँ, तो दोनों कंपोनेंट में से जो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है वो है सेकेंड कंपोनेंट की, राइट। इसका सेक्शन व्यू देखो, तो बेसिकली सेक्शन व्यू में पता चल रहा है कि वॉल थिकनेस का कितना वेरिएशन, राइट। तो वॉल थिकनेस की जनरली अगर मैं बात करूं, तो जनरल किसी भी प्लास्टिक मटेरियल के लिए जो वॉल थिकनेस होती है वो 1 से लेकर 6 mm तक हम लोग ले सकते हैं। मैक्सिमम जो होती है वो 8 mm तक हम लोग उसकी वॉल थिकनेस को ले सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर सभी कंपोनेंट की बात करूं, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लास्टिक मटेरियल, जो जनरल वॉल थिकनेस होती है वो 1.8 से लेकर 3 mm तक होती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और द साइज ऑफ द प्लास्टिक पार्ट, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो कंपोनेंट का जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से वॉल की थिकनेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली बात करूं तो मोस्टली हम लोग 1.8 से लेकर 3 mm तक की वॉल थिकनेस का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द कंपोनेंट। ओके, चलिए बात करते हैं आगे गेट की लोकेशन की, कि गेट की लोकेशन हमको कहां पर प्रोवाइड कराना है। जब गेट की लोकेशन जनरली अगर बात करूं ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है और उसका एक साइड व्यू है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंप्लीट फिलिंग ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का फिल पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, राइट। और किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो गेट की लोकेशन के हिसाब से वेल्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है वहां पर, राइट। तो वेल्ड लाइन वहां पर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अपीयरेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई गेट का लोकेशन हम लोग कहां पर देंगे कंपोनेंट में, राइट। ठीक है, तो अगर इस कंपोनेंट को मैं थोड़ा जूम करके देखूं, तो यहां पर इसकी कितनी कुछ लोकेशंस हैं, ठीक है। अब इस लोकेशन में मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं कि भाई 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है, या फिर 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, तो कहां पर गेट की सबसे बेस्ट लोकेशन होगी उसको हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही, आपको क्या पता होगा कि गेट की लोकेशन कौन सी होगी, तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा एनालिसिस, एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। चलिए, ठीक है, यहां पर आपको एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, इस कंपोनेंट में बेसिकली हमको यहां पर ड्राफ्ट एनालिसिस करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ड्राफ्ट एनालिसिस करता हूं इसके अंदर, और ड्राफ्ट एनालिसिस से मुझे कुछ चीजें पता चलेगी इस कंपोनेंट के अंदर, राइट। देखो जरा यहाँ पर, तो भाई इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग ड्राफ्ट को एनालिसिस करेंगे, तो ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड हम लोगों ने ले लिया है, राइट। और यहाँ पर इसमें देखते हैं कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो पूरा का पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, तो ग्रीन वाला पोर्शन बेसिकली जो ये दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये
आप बोल सकते हो कि दिस इज द पुल डायरेक्शन, ये पुल डायरेक्शन है राइट, और ये रेड वाला जो पोर्शन है ये कैविटी वाला पोर्शन या कोर वाला पोर्शन आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये जो नीला वाला दिख रहा है या फिर ब्लू वाला जो कलर दिख रहा है और येलो वाला जो कलर दिख रहा है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के आसपास है, मतलब इस कंपोनेंट के अंदर कहीं पर भी ड्राफ्ट नहीं है, ये इस कंपोनेंट के अंदर कहीं पर भी ड्राफ्ट नहीं दिया हुआ है राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसके बारे में हमको ये चीज पता चल रही है। अब इसी तरह से मैं किसी दूसरे कंपोनेंट को लेता हूँ, चलो इसकी वॉल थिकनेस भी एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, पहले वॉल थिकनेस चेक करते हैं राइट। चलिए तो यहाँ पर वॉल थिकनेस के लिए मैं इस कंपोनेंट पे जस्ट क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया है और कैलकुलेट द थिकनेस, आपको यहाँ पर इस कंपोनेंट की थिकनेस पता चलेगी। देखो कलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो येलो कलर जो बता रहा है वो बता रहा है 1.7 से लेकर 1.5 तक की वॉल थिकनेस है इस कंपोनेंट की, तो मैक्सिमम जो वॉल थिकनेस है इसकी वो 1.75 से लेकर 1.5 तक की वॉल थिकनेस है, क्योंकि येलो कलर यही शो कर रहा है देखो यहाँ पर राइट। ठीक है तो ये इसकी वॉल थिकनेस है, तो आप बोल सकते हो इस कंपोनेंट में अधिकतर जो वॉल थिकनेस है वो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है राइट। ठीक है अब इसी तरह से इस कंपोनेंट को हटाकर मैं दूसरे कंपोनेंट को ले सकता हूँ राइट। चलिए तो यहां से मैंने एक कंपोनेंट को हटा दिया ठीक है, और एक और कंपोनेंट को हम लोग फॉइल लेते हैं और उस कंपोनेंट में हम लोग देखेंगे कि भाई उसका वॉल थिकनेस क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सोप केस का कंपोनेंट है और इसके अंदर हम लोग वॉल थिकनेस लेंगे या फिर बोल सकते हो ड्राफ्ट एनालिसिस भी हम लोग दे सकते हैं। सबसे पहले वॉल थिकनेस देखते हैं, देखो तो वॉल थिकनेस जो इसके अंदर है कैलकुलेट करते हैं भाई वॉल थिकनेस इसके अंदर कितनी है। इसके अंदर वॉल थिकनेस जनरली 1.16 से लेकर 1 mm, मतलब 1 mm की वॉल थिकनेस इसके अंदर है, और येलो जो पूरा पोर्शन दिख रहा है वो 1 mm तक का ही वॉल थिकनेस का है राइट। और अगर मैं इसमें ड्राफ्ट एनालिसिस करूंगा तो ड्राफ्ट एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर देखो बेसिकली पूरा जो नीचे वाला ग्रीन एरिया है ये हमारा कोर साइड है, ड्रॉ डायरेक्शन है, और ये जो रेड वाला पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये हमारा कैविटी साइड है। ठीक है तो इसका मतलब अगर मैं इसको पूरी तरह से टॉप व्यू करके देखूं तो देखो ये हमको पूरा रेड नजर आ रहा है, इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो हमको ग्रीन नजर आ रहा है, मतलब ये मोल्ड के लिए पूरी तरह से फेजेबल है, इसके अंदर ड्राफ्ट ऑलरेडी है क्योंकि कंपोनेंट की ज्योमेट्री में ही है राइट। अब उसी तरह से अगर मैं इस कंपोनेंट के लिए या फिर जो पहले वाला मैंने कंपोनेंट लिया था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी करके देख सकता हूँ राइट। चलिए तो मैं क्या करता हूँ उस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करता हूँ राइट। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया राइट, एंड नेक्स्ट करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार आपको बताया था कि भाई इसके अंदर हम लोग सबसे पहले कोई भी फाइल है XT, STEP या IDS फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट विजार्ड से इंपोर्ट करते हैं। MM में इसका साइज है, यहाँ पर साइज दिया हुआ है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लीनअप और यहाँ पर सुटेबिलिटी चेक की जाती है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सभी सही है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप इसको फिनिश कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका मॉडल पूरी तरह से चेक हो रहा है राइट ठीक है। तो बेसिकली ये जंक्शन का कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लूंगा और यहाँ पर मैंने इसको फिनिश कर दिया ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसके ऊपर मैं फील्ड एनालिसिस को कराने वाला हूँ ठीक है। तो फील्ड एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर और हम समझेंगे कि फील्ड एनालिसिस कैसे किया जाता है ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी गेट की लोकेशन देना होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी स्क्रू बनाया हुआ है, तो ये सिंगल कैविटी एक कंपोनेंट है राइट ठीक है। तो यहाँ पर इंजेक्शन लोकेशन में प्रोवाइड कराता हूँ सी, तो ये रहा इसका इंजेक्शन लोकेशन सी है ना, ये इसका इंजेक्शन लोकेशन हुआ। यहाँ पर प्रोसेसिंग सेटिंग के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि भी कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मटेरियल, मटेरियल जो है मैं इसका पीपी मटेरियल यूज करूंगा राइट, और इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। प्रोसेसिंग सेटिंग जो है वो है 50 इसका मूल टेम्परेचर जो कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, तो मैंने वही लेकर रखूंगा। पीपी का टेम्परेचर मुझे पता है कि इसका मेन टेम्परेचर मैक्सिमम जो होता है वो 170 डिग्री सेल्सियस होता है राइट। मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर 180 मेगा पास्कल मैंने ले लिया है राइट, और यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। इसका जो लेवल है वो आप अपने हिसाब से Level 1, Level 2 है, Level 3 पे आप कर सकते हो किसमें आपको चाहिए एक्यूरेसी राइट ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिक्वेंस में ठीक है, और चलो इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद एनालिसिस विजार्ड के अंदर जाएंगे, एनालिसिस विजार्ड के अंदर आप जिसको भी चुनना चाहते हैं उसको आप चुन सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फील एनालिसिस बताने वाला हूँ ठीक है, और यहाँ पर फील एनालिसिस या फिर आप कूलिंग क्वालिटी भी देख सकते हो। चलो अभी इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सिंक मार्क अगर आपको देखना है, फील एंड पैक भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको फील एनालिसिस बताने वाला हूँ राइट। तो अभी मैं इस पे क्लिक हटा देता हूँ, यहाँ से फील एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पर मैं फिनिश करूंगा यहाँ पर राइट। अब जब मैंने जब पैरामीटर दे दिए, मतलब मैंने यहाँ पर इंजेक्शन लोकेशन दिया हुआ है,
प्रोसेसिंग सेटिंग मैंने दिया है, एनालिसिस विजार्ड के अंदर मैंने जाके बता दिया है कि मुझे प्री एनालिसिस करना है इसका, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको प्री एनालिसिस चेक कर सकता हूँ। तो चेक जब मैंने किया तो मोल्ड फ्लूड एडवाइजर ने ये कहा कि योर मॉडल इज रेडी फॉर एनालिसिस, राइट। चलिए तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, वेरी गुड। तो इसको मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट एनालिसिस किया, तो यहाँ पर देखो कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इस सिंगल कंपोनेंट के लिए मैं यहाँ पर प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर फील एनालिसिस क्या होगा, उसके अंदर इंजेक्शन प्रेशर कितना लगेगा इस कंपोनेंट को फील करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर एनालिसिस चेकिंग एंड शेड्यूलिंग, और ये पूरी तरह से इसको मैश करेगा, ठीक है। मतलब मैश करने के बाद ही इसको क्या करने वाला है, ये एनालिसिस करने वाला है जिसके अंदर वो फील को एनालिसिस करेगा। देखो यहाँ पर दिस इज द 10% ऑफ मैश, ये कंप्लीट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। दिस इज द 20%, राइट। अब ये पूरी तरह से, जब ये पूरी तरह से मैश हो जाएगा उसके बाद ये कंपोनेंट को क्या करेगा, फील करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मटेरियल फील होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप विजुअली देख सकते हो कि मटेरियल यहाँ पर क्या हो रहा है, फील हो रहा है। देखो मटेरियल पूरी तरह से फील होगा, उसके बाद जब ये पूरा अभी 16% है उसी तरह से पूरा ही 100% जब फील हो जाएगा ना, उसके बाद ये पूरे के पूरे रिजल्ट हमको शो करने वाला है, राइट। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा 96% हो चुका है, आप देख सकते हो 96% फील हो चुका है, सिर्फ 4% यहाँ पर बचा हुआ है, ये पूरी तरह से फील होगा। अगर ये फील नहीं होता है पूरी तरह से तो भी ये यहाँ पर शो करेगा कि पूरी तरह से फील नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही पार्ट कूल हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ये चीज शो करेगा। लेकिन अगर फील हो जाता है पूरा 100%, मतलब हम इसका एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लास्ट 10 डेज का, यहाँ पर इसका फीलिंग बाकी है थोड़ा सा, इधर उसी तरह से इधर भी यहाँ पर फीलिंग बाकी है थोड़ा सा, राइट। अभी 99% हो चुका है, ठीक है, 1% बाकी है और ये पूरा कंप्लीट फील हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक मैसेज आ गया है कि मोड फ्लो एडवाइजर की तरफ से कि स्टडी हो चुका है ना, जंक्शन कंपोनेंट के लिए एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। यहां पर इसको मैं ओके कर देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। अगर मैं इसको भी अनटिक कर देता हूं तो हमारा सिर्फ कंपोनेंट शो करेगा और बाकी पूरा रिजल्ट यहां पर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा प्लास्टिक फ्लो, प्लास्टिक का फ्लो किस तरह से होगा। यहां पर जाएंगे हम लोग रिजल्ट, और यहां पर देखो प्लास्टिक का फ्लो कुछ इस तरह से होगा, देखो जरा सी हियर, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके भी इसको देख सकते हो कि भाई प्लास्टिक का फ्लो किस तरह से हो रहा है, सी हियर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप एक एक डिटेल को देख सकते हो कि प्लास्टिक का फ्लो यहाँ पर किस तरह से होगा, सी हियर लाइक दिस, सी, ओके। उसी तरह से यहाँ पर और भी चीजें देखते हैं कि भाई यहाँ पर फील टाइम कितना लगेगा, इस कंपोनेंट को फील होने में कितना टाइम लगेगा, इस कंपोनेंट को फील होने में टाइम लगेगा 1.09 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का समय लगेगा इस कंपोनेंट को फील होने के लिए। इंजेक्शन प्रेशर इसके लिए कितना लगेगा, उससे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्फिडेंस ऑफ फील कि मतलब ये पूरी तरह से भर पाएगा कि नहीं, बिल्कुल देखिए। देखो हाई यहाँ पर परसेंटेज है 100%, मतलब ये पूरी तरह से भर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इसको भरने में, राइट। क्वालिटी प्रेडिक्शन देखते हैं कि क्वालिटी कैसा रहेगा, इसके मीडियम क्वालिटी रहेगा, मतलब कुछ सिंक मार्क वगैरह जरूर प्रोड्यूस होंगे इसके अंदर, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी क्वालिटी बोल सकते हो कि मीडियम क्वालिटी का कंपोनेंट बनकर तैयार होगा। इंजेक्शन प्रेशर जो मैक्स इसके अंदर 24 मेगा पास्कल है, 25 मेगा पास्कल आप बोल सकते हो, मतलब 24.9 है, तो 25 मेगा पास्कल आपको इसके अंदर इंजेक्शन प्रेशर लगेगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पर एक और चीज देखते हैं भाई, टाइम टू रीच इजेक्शन टेम्परेचर, मतलब इजेक्शन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको, मतलब इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा, इसको ठंडा होने में लगेगा 12.60। तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज द कूलिंग टाइम, राइट। इस तरह से आप बोल सकते हो कि दिस इज द कूलिंग टाइम, मतलब 12.60 इसको क्या लगेगा, इसको टाइम लगेगा ताकि ये इजेक्शन टेम्परेचर तक पहुंच सके, राइट। देखो इसके अंदर वेड लाइन प्रोड्यूस होने के चांसेस कहां पर है भाई, जहां पर भी आपको कॉर्नर नजर आएंगे ना वहां पर वेड लाइन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वेड लाइन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिस इज द मेल्ट लाइन, ठीक है। तो ये वेड लाइन नहीं, क्योंकि कंपोनेंट का वेट इतना भी ज्यादा नहीं है। और कहां कहां पर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस है, जहां पर भी आपको ये दिखा रहा है वहां पर एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट वे में, बहुत ही माइन्यूट वे में, ठीक है। तो दिस इज द एनालिसिस, दिस इज कंप्लीट एनालिसिस फॉर द जंक्शन कंपोनेंट, ओके। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।